नमस्कार दोस्तों, ईआर इंफ्रा न्यूज में आपका स्वागत है। आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है। इस वीडियो में आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और रिसेंटली हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे का सर्वे किया और इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड टेस्ट की, जिसमें 170 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ उन्होंने गाड़ी दौड़ाई, जो कि इस वीडियो में आप देख पाओगे। वो है टॉप स्पीड में 16 गेज का नहीं, हमारा एकदम स्टैंडर्ड, हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, ये सब ऑटोमेटिक वो है सर, स्पीड बढ़ा लो, अब स्पीड बढ़ाओ। हमारा साहब आप आगे ध्यान, अब आप आगे जाने को बात मत करना। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में बात करेंगे इस एक्सप्रेसवे के बारे में, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। फैक्ट नंबर 1, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली मुंबई का ट्रैवल टाइम 24 घंटे से घटकर केवल 12 घंटे हो जाएगा और इससे हर साल 32 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत होगी, जिसमें कार्बन एमिशन में 85 करोड़ केजी की कमी आएगी, जो कि लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 380 किलोमीटर होगी और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। और ये एक्सप्रेसवे 8-लेन फुली कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि 12-लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ सेक्शंस पर। और तब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे बड़ा 12-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को एक्सपेंड करने के लिए पहले ही लैंड एक्वायर कर लिया गया है, मतलब इस एक्सप्रेसवे में 70 फीट का मीडियन बनाया गया है, मतलब इसका डिवाइडर 70 फीट का होने वाला है, जिसको टाइम के अकॉर्डिंग रिड्यूस करते हुए इस एक्सप्रेसवे को चौड़ा किया जा सकेगा और इसकी लेंस को बढ़ाया जा सकेगा। नंबर 3, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 80 लाख टन सीमेंट का यूज होगा, जो कि अपने देश में एक साल में सीमेंट प्रोडक्शन का 2% है, मतलब देश में प्रोड्यूस हो रहे सीमेंट के 2% से अधिक केवल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में लगेगा। और तो इसको बनाने में लगभग 50 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं, मतलब एक्सप्रेसवे के बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। फैक्ट नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में 12 लाख टन स्टील का यूज होगा और इतने स्टील को से लगभग 50 हावड़ा ब्रिज बनाए जा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। लेकिन आखिरी फैक्ट पे चलने से पहले जान लेते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का कंप्लीशन टारगेट कब है और ये कब तक तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का सोना से दौसा सेक्शन, जिसे हम लोग कॉमनली दिल्ली टू जयपुर सेक्शन बोलते हैं, जिसकी टोटल लेंथ 214 किलोमीटर है, ये सेक्शन अगले साल मार्च 2022 में ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसके अलावा वडोदरा से अंकलेश्वर सेक्शन, जिसकी टोटल लेंथ 100 किलोमीटर के लगभग है, ये सेक्शन भी नेक्स्ट ईयर मार्च में ऑपरेशनल हो जाएगा। जबकि इस एक्सप्रेसवे का कोटा से रतलांग सेक्शन, जो कि लगभग 250 किलोमीटर का होने वाला है, ये नेक्स्ट ईयर 2022 में नवंबर में ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये पूरा एक्सप्रेसवे मार्च 2023 में कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है और ये तब तक रेडी भी हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के जैसे काफ़ी शहरों की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार आएगा, जैसे फरीदाबाद, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे शहरों को कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाएगा। दोस्तों, शुरू में इस एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम के नज़दीक सोना से मुंबई के
विरार तक बनाने का प्लान था, लेकिन दोनों तरफ से एक्सप्रेसवे को लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे को विरार से बढ़ाकर JNPT तक एक्सटेंड किया गया और दूसरी तरफ सोना से दिल्ली की में DND फ्लाईओवर तक इसको एक्सटेंड किया गया है, ताकि दिल्ली से मुंबई तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए इस एक्सप्रेसवे की। और फिर बल्लभगढ़ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी इसे एक्सपेंड किया गया है, जिसके बन जाने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यानी कि टाइम के साथ साथ इसे एक्सटेंड करते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और आप अपनी क्वेरीज के लिए हमें DM कर सकते हैं Instagram पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।